सरकार का आदेश है और विज्ञप्ति भी छपी है कि अगर आशा नहीं मानेंगी तो हम केस करेंगे और उनको सेवाएं से भी हटाएंगे। तैयार खुशरू परवेज नाम है उनका मीडिया वाला, उनको कॉल करके बुलाया गया, उनको बजाबते बैठाया गया, उनको चाय नाश्ता कराया गया। हम लोग के बीच जो वार्ता हुई वो वार्ता नहीं छपाया, लेकिन गलत वार्ता वो लोग छाप दिए कि परवेज मीडिया वाले गलत छापे हैं, गलत छापे हैं, स्पेशल को बुलाया गया था। बीडीओ साहब, सीओ साहब उस दिन आए थे, आप लोगों ने कहा था ना कि और सभी सेवाएं छोड़कर दबाव करके बुला के उनको स्पेशल कहा गया है कि आप ये बात छापिए। हम लोग पैसा मांग रहे थे, मीडिया लोग खुद बोले, परवेज बोले कि आशा हम लोग पैसा नहीं देती है। किसे बोले? परवेज बोले, परवेज मीडिया वाले बोले, वीडियो बोल रहे थे, बीसीएस से वैसे वही रूम में बोले। हड़ताल का आज लगभग 27वां दिन है और अभी तक आप लोग हड़ताल पे हैं, कब तक डटे रहेंगे आप लोग? जब तक से हम लोग मांगें नहीं पूरी होगी तब तक हम लोग हड़ताल पर डटे रहेंगे। अभी तक के पार्टी के जो आपके अध्यक्ष से है कोई सूचना वगैरह मिला अभी तक से? कोई अभी सूचना नहीं आया, कोई वार्ता नहीं हो पा रही है। तो कब तक लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? जब तक से हम लोग का मांग नहीं पूरा होगा तब तक से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। क्यों नहीं एक साल भी बीत जाए, दो साल क्यों नहीं हो जाए, लेकिन हम लोग अपना मांग लेकर ही रहेंगे। अब कौन कौन सा सेवाएं अभी आप लोग अस्पताल में देने दे रही हैं आप लोग? अभी केवल इमरजेंसी सेवा है और कोई सेवा नहीं। परसों हो रहा है इमरजेंसी सेवा है और कोई सेवा नहीं, नहीं सुने रहा इमरजेंसी भी बंद कर दिया जाएगा। भी इमरजेंसी भी अब बंद होगा, अब इमरजेंसी भी हम लोग बंद करेंगे, डिलीवरी भी बंद करेंगे। आप लोग सब तरह से तैयार हैं? सब तरह से हम लोग तैयार हैं। एक सरकार का फरमान था कि अगर आशा दीदी नहीं मानते हैं तो बैनाम केस करेंगे और हटाएंगे भी। डीएम साहब आए ना, डीएम साहब को बुलाइए, अपने ही हाथ है सबको चैन मुक्त करे। क्यों यहाँ वहाँ उनको भेज रहे, किस कभी सीएस को कभी प्रभारी को क्यों धमकी दे रहे? अपना ही आ करे, हाँ सबको चैन मुक्ति करे। हम लोग तैयार हैं, हम लोग सब तैयार हैं। बीते दिन अखबार में छपा था कि आप लोग सभी मुद्दे पर मान गए हैं, कुछ को छोड़ करके हम लोग सभी जो भी हम लोग का नौ सूत्र का मांग है हम लोग का सरकार पूरी करे। अस्पताल में ओपीडी सेवा के लिए या अन्य सेवा को सिर्फ टीकाकरण को छोड़ करके आप लोग मान गए थे? बीते दिन दो दिन पहले तो अखबार में छपा था। परवेज मीडिया वाले गलत छापे हैं, गलत छापे हैं, स्पेशल को बुलाया गया था। बीडीओ साहब, सीओ साहब उस दिन आए थे तो आप लोगों ने कहा था ना कि और सभी सेवाएं छोड़कर दबाव करके बुला के उनको स्पेशल कहा गया है कि आप ये बात छापिए। हम लोग पैसा मांग रहे थे, मीडिया लोग खुद बोले, परवेज बोले कि आशा हम लोग पैसा नहीं देती है। किसे बोले? परवेज बोले, परवेज मीडिया वाले बोले, वीडियो बोल रहे थे, बीसीएस से वैसे वही रूम में बोले गए। मीटिंग में आप लोग थे? हां, वार्ता नहीं, वार्ता हो रहा था। चार गो आशा गई थी, चार गो गई थी, चार गो। वार्ता में कौन कौन गया था अंदर? वार्ता में गए थे अनिता जी, गए थे संगीता जी, गई थी रंजू जी, गई थी संगीता और है भी गई थी। उसमें यह तय हुआ था कि टीकाकरण को छोड़ के सभी समय बहाल की जाए? नहीं, ये सब गलत हुआ है। परवेज जो छापे हैं वो जो है आशा से कह रहे हैं कि ये लोग पैसा दे रहे हैं कि हम लोग के बारे में छापे हुए हैं। सरकार का आदेश है और विज्ञप्ति भी छपी है कि अगर आशा नहीं मानेंगी तो हम केस करेंगे और उनको सेवाएं से भी हटाएंगे। तैयार है, और केस होगा तो आप लोग जेल भी जाएंगे? नाम क्या हुआ आपका? गीता देवी, आशा फैसिलिटेटर है। आशा नहीं रहेगी तो बीसीएम रहेंगे? आशा काम करती है तब तो ये लोग रिपोर्ट बनाते हैं, जब आशा काम ही नहीं करते लोग काम ही क्या है? क्या काम है? क्या काम है? अभी से बैठ कर लोग ताश खेलेंगे? अभी कुछ बाहर से लड़के आए थे और बता रहे थे कि आप लोग अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। कहीं जाने दे, हम लोग सब सवाल होते हैं तो क्यों जाने देंगे? डिलीवरी वाला भी जाने दे रहे हैं? इमरजेंसी होता है उसको जाने देते हैं, इमरजेंसी है उसको हम जाने देंगे? कटल होगा, टूटल होगा, मार पीट का होगा, उसको जाने देंगे? लगभग 26-27 दिन हो गए आपके हड़ताल को, बिहार के साथ साथ रोहतास जिले में भी, कितना प्रभाव पड़ा है अस्पतालों पर? पूरा प्रभाव पड़ा है, 100% प्रभाव पड़ा है।
पीएचसी का कहीं कुछ काम नहीं हो रही है, लेकिन सरकार अपना रिपोर्टिंग कर रही है कि हमारा सब काम हो रहा है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। उस दिन हम लोग पटना गए थे 3 अगस्त को, लेकिन यहाँ ताला तोड़ करके बीसीएम प्रभारी टीकाकरण कराए, लेकिन 25% भी नहीं पड़ा, लेकिन ये लोग 100% का दिए हैं कि हमारा 100% टीकाकरण हुआ है। हम लोग मांग रहे हैं कि हम लोग को दिखाइए अपना कागज 100% हुआ है, तो ये तो हुआ है फॉल्सबाजी, पीछे का सब रिपोर्टिंग आगे कर दिए लोग हैं, तो वो भी तो घर पर नहीं दिखा रहे हैं। हम लोग के क्षेत्र में हुआ है, हम अपने बच्चे को जान रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में किस बच्चे को पड़ा, लेकिन कोई टीका नहीं पड़ा है, लेकिन यहाँ से कागजी खाली गया है कि हमारा पूरा हो गया है। तो कहीं ना कहीं आपके आंदोलन को भी दबाया जा रहा है ताकि लोगों को पता चले कि न चले कि आपके प्रभाव हुआ है। हाँ, हमारे आंदोलन के दबाने के लिए ही 100% दिखाया जा रहा है, और किसी बात के लिए नहीं दिखाया जा रहा है। हम लोग को जो उस दिन 4 तारीख को सीओ साहब आए थे या बीडीओ साहब, तो हम लोग के साथ वार्ता किए, तो हमारे जो मीडिया भाई आए थे उसको वो लोग अंदर नहीं जाने दिए। बीसीए में प्रभारी मिल करके बोले कि नहीं आप बाहर रहिए, परवेज को मीडिया वाले हैं परवेज, इसलिए परवेज नाम धर के हमको करना पड़ता है कि हमारे परवेज सर हमारे डॉक्टर भी हैं, तो डॉक्टर नहीं, खुशरू परवेज नाम है उनका मीडिया वाला, उनको कॉल करके बुलाया गया, उनको बजाबते बैठाया गया, उनको चाय नाश्ता कराया गया। हम लोग के बीच जो वार्ता हुई वो वार्ता नहीं छपाया, लेकिन गलत वार्ता वो लोग छाप दिए कि ओपीडी बहाल करने के लिए सहमति दी है 4 आशा ने। क्या नाम आपका? मेरा नाम संगीता देवी है, हम वार्ड नंबर 5 की आशा कार्यकर्ता है। क्या नाम है आपका? सोनू सिंह। घर? अमियावर। कहाँ आए थे आप? सरकारी हॉस्पिटल नासरीगंज। क्या हुआ? हमको कुछ दिक्कत है, हम दिखाने आए थे, यहाँ पर हड़ताल है, जाने नहीं दे रहे हैं लोग। क्या बोला गया यहाँ पे आए थे? आए तो बोले कि 4 बजे के बाद जाना, हम लोग हड़ताल किए हैं कुछ दिक्कत से, हमको तो पता नहीं है क्या दिक्कत है ये लोग का। आप इलाज से वंचित हो गए, नहीं इलाज करा पा रहे? नहीं जा पा रहे हम। मांग पूरा करना है, मांग पूरा करना है नीतीश से, मोदी से, जो भी मांगना है मांगिए दीदी। आपको गलत फैमिली पर कोई नहीं मांग रहा है। नहीं दीदी, इमरजेंसी सेवा नहीं है। 4 दिन से हम लवट कर चल जाते हैं यहाँ। ठीक है, आप जा रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी आपका नहीं है दीदी। दीदी देखिए, हमारा घर में कोई भोजन बनाने वाला नहीं है। क्या नाम? निर्मला देवी। कहाँ से? ग्राम सुकारा डेयरी से। क्या हुआ था? मेरा हाथ अंगुरी जो है टूट गया है, एक सारा लेने के लिए 3 दिन से मैं परेशान हूँ। क्या बोल रहे हैं लोग? कहते हैं कि हम लोग आशा ने जाम किए हैं, नहीं जाने देती हैं अंदर, तो देखिए इसको मांग भी पूरा करना आवश्यक है। और आपको भी इलाज करवाना जरूरी है? हमको भी इलाज करना, हम इमरजेंसी में है, हमारा घर भी कोई नहीं है, उतना दूर से मैं गाड़ी भाड़ा लगा कर आ रही हूँ। क्या कहा दीदी ने? क्या कहा? बोल रहे हैं कि आपको इमरजेंसी नहीं है। अब दीदी ने समझिएगा कि फैमिली का इमरजेंसी है, जो भोजन बनाने लायक, जो हाथे से काम करना है, जो हाथे में सब चीज है, तो किसके हमने मांगे क्या है आपकी? मांगे क्या कहते हैं, करना चाहेंगे इन लोगों से, क्या कहेंगे आप? मांगे क्या आपकी? सेवा आपको कहना क्या है? क्या मांगे क्या है आपकी? हमको यही करना है कि दीदी हमको जाने दीजिए, आप जो मांग करना है आप करिए, हमको क्या दिक्कत है? आपको इलाज करवाना है? हमको इलाज कराना है।